नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल क्लास, हमारे खास एपिसोड क्वार्क स्पेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब आप एक नया पेज बना रहे होते हैं तो उस पेज पर आप खबर कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, वो सब चीज़ें आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक रिवीजन वीडियो है। अगर आप हमारा फुल पेज का वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं और आप पूरा पेज बना सकते हो। दोस्तों ये हम यहाँ पर रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो इसलिए आप इसको पूरा देखें और समझें कि कैसे खबर लगाई जाती है जब आप कोई नया पेज शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ पूछना आपसे, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप उससे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने पेज पर एक खबर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम अपने क्वार्क एक्सप्रेस को ओपन कर लेंगे और अपना पेज भी ओपन कर लेंगे, तो जल्दी से आप भी अपना पेज ओपन कर लीजिए और लगाने बैठ जाइए पेज को। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे और जो कि टेक्स्ट बॉक्स है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और आप भी जल्दी से इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए। इसमें खबर को आप पेस्ट कर लीजिए, जहाँ पर भी खबर हो आप वहाँ से कॉपी करके इस बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग वाला बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने स्टेप एंड रिपीट का ऑप्शन लिया हुआ है, जो कि कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट ऑल्ट और डी का ऑप्शन हमने यूज़ किया हुआ है, जिससे स्टेप एंड रिपीट का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टाइल शीट का यूज़ करके हम जो है हम हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग लगाने के बाद जो है इसकी हम खबर को सेट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो भी आपको हेडिंग सेट कर, अगर लीड लगाना है तो 60 की आप लेंगे और अगर उसके नीचे का है सब हेडिंग लगाना है तो 30 का लेंगे। दोस्तों जो मेन हेडिंग है वो 60 का हमने लिया हुआ है, चूँकि लीड खबर हम लगाएंगे और जो भी गलतियाँ हैं छोटी मोटी आप उसको सुधार सकते हैं मैनुअली। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खबर को हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे कॉलम में, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख जितने भी कॉलम के आप खबर लगाएंगे आप उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 कॉलम में लिया हुआ है और उसके नीचे आप देखेंगे हम दूसरी हेडिंग यहाँ पर लगाने जा रहे हैं और इस हेडिंग को आप चाहें तो सब हेडिंग लगा सकते हैं, क्रॉसर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपने सेट करना है उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि हमने पूरा डिटेल में जो बताया हुआ है अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो पूरी फुल वीडियो आप जरूर देखें, किसको सब हेडिंग कहते हैं, किसको फ्लैग कहते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉसर का और इस क्रॉसर का यूज़ हम करेंगे खबर के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक क्रॉसर यहाँ पर लिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर जो है जो क्रॉसर हमने लिया हुआ है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने उस क्रॉसर को लेने के बाद थोड़ा सा नीचे किसका है, यहाँ पर हम लगाएंगे सब हेडिंग, इसे दोस्तों हम लोग सब हेडिंग कहते हैं। तो अगर हमने 60 में लीड की हेडिंग लगाई है तो सब हेडिंग लगभग हम 30 में लगाएंगे ताकि बैलेंस बना रहे और इसके बाद जो है आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं इस क्रॉसर को और इस क्रॉसर को भी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर क्रॉसर भी हमने पेस्ट कर दिया है, जो भी आपको छोटा बड़ा करना है आप देख रहे हैं आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा क्रॉसर कर सकते हैं और उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फोटो बॉक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फोटो बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ है और इस फोटो बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद हम खबर को सेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने खबर सेट कर रहे हैं और जितनी बड़ी आपको खबर चाहिए होगी उतनी बड़ी आप खबर ले सकते हैं। लीड खबर अगर आपकी है तो आप इसको दो टेक में भी ले सकते हैं, यानी कि दो पार्ट में जो आपने पेज डिवाइड किया हुआ जो आपका पेज डिवाइडेशन है तो उसके दो पार्ट भर आप ले सकते हैं यहाँ पर अपनी खबर को। और आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हम इस खबर को सेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने पेज पर खबर को सेट करेंगे, जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं दोस्तों उसको आप जो है रिमूव करेंगे और आपकी खबर जो है सही हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे हेडिंग्स में थोड़ी बहुत कमी थी उसको हम सही कर रहे हैं, आप इसको कम ज़्यादा कर सके सही कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खबर हमारी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो से कि आपने कुछ नया सीखा, कि आपने कुछ नया जाना। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और वो मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और किसी भी तरीके कोई गाइडेंस चाहते हो तो भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी ये जानकारी हासिल हो सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।